हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इनक्रेडिबल हल्क। अब तक कहानी में आपने देखा कि बैनर हल्क का यूज कर रहा है। वो हल्क के हाथों एक पजल सोल्व करवाना चाहता है जिसमें एक मैन डॉग की उंगली है, कुछ पुराना अटलांटिस मैजिक है, रशियन स्पेस मेटल का एक टुकड़ा और सेस्क्वेजी से सीक्रेट्स का एक कप। इन सब का यूज करके आखिरकार बैनर हल्क का इलाज ढूंढ चुका है। हल्क ने बैनर को मारने की कोशिश की और अब बैनर इसका उल्टा करना चाहता है। उसे याद है कि वो एक बार जागा और उसे लगा कि उसे लूट लिया गया हो, जैसे उसके अंदर का एक हिस्सा छीन चुका हो। हल्क बैनर को अपने आप से अलग करने के बाद एक सुनसान इलाके में छोड़कर जा चुका था और इस बात से बैनर के अंदर गुस्सा भर गया। उसने मॉन्स्टर्स का एक आइलैंड बनाया, हल्क के साथ लड़ाई की और तब वो मारा गया उसके खुद के गामा बॉम्ब की वजह से। उसे साफ साफ याद है, वो कह रहा है, मैं अंधेरे में जागा, मैं बोल नहीं पा रहा था और ना ही कुछ फील कर पा रहा था, मैं सिर्फ चिल्ला रहा था। एक लंबे टाइम तक मुझे लगा कि मैं नरक के अंदर हूँ और मैं वहाँ पे रहना डिजर्व करता हूँ, लेकिन तब मुझे आवाजें सुनाई देने लगी और मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। और फिर एक दिन बिना किसी वार्निंग के मैं फिर से जिंदा हो गया। मैं अपनी खुद की बॉडी के अंदर था। पिछले कुछ महीनों मेरा ब्रेन वॉश किया गया, मुझे धोखा दिया गया, मारा गया, अकेला छोड़ दिया गया, पागल कर दिया गया और उसके बाद मुझे लगा कि चीज़ें हाथ में लेने का टाइम आ चुका है। बैनर सोती हुई रेड शियल को वहीं छोड़कर चला जाता है। कुछ घंटे बाद वो नवेड़ा के अंदर एक कैसीनो में पहुंचता है जहां पे बाजी लगाई जा रही है। बैनर टेबल के ऊपर कुछ चिलर फेंकता है और सब कुछ काले रंग पे आने वाले नंबरों के ऊपर दाव लगा देता है। बैनर ये बाजी जीत भी जाता है। अब वो लेडी बैनर से पूछती है, लेकिन बैनर उसे बीच में ही रोकते बोलता है, तुम यही जानना चाहती हो कि मैं इस तरीके के कपड़े पहनकर यहाँ पे क्यों आया हूँ और मेरे हाथ में थोड़े से चिल्लर कहाँ से आए जो कि मैंने बाहर वाले फाउंटेन से चुराए थे। मैं इस कैसीनो के डोरमैन को जानता हूँ, मैं भी किसी टाइम पे एक बाउंसर रहा करता था। अब से मैं काले रंग पे आने वाली हर चीज के ऊपर शर्त लगा रहा हूँ, मैंने कभी लाल रंग के ऊपर शर्त नहीं लगाई। 2 घंटे बाद बैनर उस कैसीनो में काफी कुछ जीत चुका होता है। फिर बैनर कुछ लोगों से अपनी कई हुई चीजें मंगवाता है और एक सूटकेस के अंदर वो सारी चीजें भरी हुई हैं। इन चीजों में एक बेहतरीन फोन, एक पैंट और एक गीगर काउंटर भी है। और इस टाइम पे ये लोग बैनर को मिस्टर फिक्सिट के नाम से बुला रहे हैं। तभी एकदम से बैनर के सिर में दर्द होने लगता है, वो चिल्लाना चाहता है लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल करता है। इसके बाद बैनर उस सूटकेस के अंदर से एक पिक्चर निकालता है जिसमें पिटबुल का नाम लिखा हुआ है। तो बैनर एयरप्लेन की टिकट कटवाकर मैक्सिको निकल लेता है। 1 हफ्ते बाद बैनर अंटार्कटिका में होता है। बैनर उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी से बाहर निकल चुका है लेकिन बार बार अपनी बॉडी में इंजेक्शन डालने की वजह से वो काफी थक चुका है और वहीं रास्ते में बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर बाद 3-4 लोग बैनर को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचते हैं। वो बैनर को ठीक करने के लिए उसे एक पास की फैसिलिटी के अंदर ले जाते हैं, जहां बैनर के होश आ जाने के बाद एक बूढ़ा आदमी उससे कहता है, वेलकम बैक सर। बैनर पूछता है, मेरी हालत कैसी थी? बूढ़ा आदमी बोलता है, आप ठंड में जम रहे थे और मरने ही वाले थे, ठीक जैसा आपने हमें बताया था। फिर बैनर उस डिवाइस के बारे में पूछता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि वो डिवाइस बिल्कुल ठीक ठाक है और किसी ने इसे नहीं छुआ है, आपकी कंडीशन स्टेबल है, आपके घाव ठीक हो रहे हैं, कोई भी आपको नहीं ढूंढ रहा और आपके दिमाग में किसी ब्रेन ट्यूमर का कोई साइन नहीं है। तो हमारा एग्रीमेंट यहीं खत्म होता है, आपके साथ काम करके अच्छा लगा। फिर जाने से पहले बैनर उसे कुछ कहना चाहता है। तब वो बूढ़ा बोलता है कि जो लोग अंधे डॉक्टरों को अपने इलाज के लिए बुलाते हैं जरूर वो अपनी जानकारी सीक्रेट रखना चाहते हैं और मेरा भी यही काम है, क्योंकि आपने मुझे इस काम के बहुत पैसे दिए, मैंने सारे सबूत मिटा दिए, भूल जाइए कि मैंने और मेरी टीम ने आपको देखा। बैनर बोलता है, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? वो बूढ़ा अंधा डॉक्टर बोलता है, मैं नहीं जानता और मुझे जानना भी नहीं है, लेकिन फिर भी बैनर उसे अपना नाम बताता है। तो बूढ़ा आदमी बोलता है, मैंने आपकी जान बचाई, अच्छा होगा कि हम बात को यहीं पे खत्म कर दें, मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम वापस आकर सारे काम के ऊपर पानी फेर दे। तो बैनर बोलता है, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने सुना था कि आप पागल हो गए थे और फिर मर गए, लेकिन मैंने गलत सुना था। बैनर कहता है कि तुमने सही सुना था, तुमने और क्या सुना था? तो बूढ़ा आदमी बोलता है,
कि मौत अब पहले जैसी नहीं रही और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे जैसे लोगों का बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो बैनर बोलता है, मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, मैं नहीं जानता कि मैं अब कौन हूँ। बूढ़ा इंसान बोलता है, तुम एक काफी समझदार इंसान हो और मुझे पक्का पता है कि तुम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लोगे और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास जो डिवाइस है उसके अंदर कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे। बैनर बोलता है, मेरे अंदर का एक हिस्सा ये कह रहा है कि तुम्हें मुझे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है, माउंट फूजी की घाटी में ओकिघारा नाम का एक जंगल है। हर साल हजारों लोग उस जंगल के अंदर मरने के लिए जाते हैं। जब भी कोई उस जंगल के अंदर घुसता है तो उनको रास्ते में पड़े हुए धागे दिखाई देते हैं, क्योंकि जो लोग उस जंगल के अंदर घुसे होते हैं सुसाइड करने के लिए, उनके मन में ये होता है कि अगर उनका विचार चेंज हो जाए तब वो लोग उसी धागे को उल्टे फॉलो करके वापस घर पहुंच जाएं। अगर तुम किसी एक धागे को आखिरी छोर तक फॉलो करोगे तो तुम्हें कई बार एक सड़ी हुई लाश मिलेगी, कई बार तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि तुम इस टाइम इसी टाइप के एक जंगल में खड़े हो, लेकिन तुम्हारे पास अब भी वो धागा है। तुम्हें इस धागे का इस्तेमाल करके वापस घर चले जाना चाहिए। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी चला जाता है। दो दिन बाद लटवेरिया, एक धमाका होता है। बैनर रोबोट्स के चीतरे फाड़ता हुआ अंदर घुसता है और चिल्लाता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे देख सकते हो, तुम बाहर आने में जितनी देर लगाओगे यहाँ पे उतनी ही तबाही मचने वाली है। तभी एक डूमबोट सामने आता है और बैनर से पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बैनर बोलता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, और उस डूमबोट को मार डालता है। वो असली डॉक्टर डूम से मिलना चाहता है। तब एक और डूमबोट सामने आता है और फिर से बैनर से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ डॉक्टर बैनर। बैनर बोलता है, तुम जानते होगे। डूमबोट कहता है, लगता है कि तुम अपनी पुरानी बॉडी में फिर से वापस आ चुके हो। तो मुझे लगता है कि तुम मुझे वो बॉडी वापस देने आए हो जो मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए बनाई थी। मुझे लगता है कि मैं उस बॉडी का अभी इस्तेमाल कर सकता हूँ। बैनर डॉक्टर डोम की लैब को देखकर बोलता है, तो यहीं पे तुमने वो सब किया था, इसी लैब के अंदर तुमने मेरे दिमाग के दो टुकड़े किए थे। डूमबोट पूछता है, हाँ ये वही है, क्या तुम वीडियो देखना चाहोगे। लेकिन बैनर उस डूमबोट को भी मार डालता है। फिर एक तीसरा डूमबोट आता है जो अपने हाथ में उस सारे ऑपरेशन की कॉपी लेकर आ रहा है जिसका यूज डॉक्टर डूम ने हल्क के ऊपर किया था। बैनर बोलता है, सीरियसली तुमने एक चेनसो का यूज किया। डूमबोट कहता है, तुमने कभी किसी इंसान की खोपड़ी एक चेनसो के साथ नहीं काटी होगी और तुम अपने आप को एक डॉक्टर कह रहे हो। बैनर उन डॉक्यूमेंट्स को साइड फेंकते हुए बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ये सब कैसे किया, मुझे बस ये जानना है क्यों किया, क्या सिर्फ ये दिखाने के लिए कि तुम कर सकते थे। डूमबोट कहता है, तुम्हें ये दिखाने के लिए कि तुम कितने कमजोर हो, हल्के जाने के बाद तुम्हारे पास बस बचा ही क्या था। मैं जान गया कि तुमने उस अकेलेपन में क्या किया, तुम पागल हो चुके थे, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन बैनर उस डूमबोट को भी काट डालता है। वो कहता है कि मैं ढूंढ निकालूंगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तब मैं वापस आऊंगा। तब तक के लिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जितने रोबोट्स बनाने हैं बना लो। तब बहुत सारे डूमबोट्स उसके सामने आकर बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो डॉक्टर बैनर। मैक्सिको, अटलांटिस, नेवर लैब, सेस्क्वेचिस का शहर और अंटार्कटिका, तुम काफी मजे कर रहे हो और तुमने काफी सारी चीजें इकट्ठी कर ली होंगी। अब सवाल ये है, क्या तुम्हारे पास इन चीजों को इकट्ठा करने का दम है, और अगर दम हो ना तो ये चेन्सो अपने साथ ले जाओ। सारे डूमबोट्स हंसने लगते हैं जबकि बैनर वहां से चला जाता है। इसके बाद अंटार्कटिका में बैनर कह रहा है, मुझे 3 हफ्ते का टाइम लगा, मैंने साइंस को बहुत गहराई से जानने की कोशिश की और आखिरकार मैंने वो चीज बना ली। मेरी जिंदगी में ऐसे टाइम बहुत बार आए जब मैं ऐसी चीज बनाना चाहता था, लेकिन अचानक से मुझे हिचकिचाहट क्यों हो रही है। बैनर अपने आप को बांध लेता है और अपनी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन डाल देता है जिससे वो हल्क में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद बैनर का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो मैसेज चलता है जिसमें बैनर कह रहा है, तो आखिरकार इतने सालों बाद मैंने तुम्हारा इलाज बना लिया है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की और अब मैं तुमसे बदला ले सकता हूँ, तो चलो 1 मिनट के लिए बात कर लेते हैं। देखो मैं जानता हूँ कि यहाँ बहुत कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन इसे करने का कोई दूसरा तरीका नहीं था, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ, आई एम सॉरी। ठीक है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की और तुमने मुझे मार भी डाला था, लेकिन भगवान ही जानता है कि मैंने भी तुम्हें कई बार मारने की कोशिश की और फिर मैं तुम्हारे बिना कितना पागल हो चुका था। ये बात दर्शा रही है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं अब तक मर चुका होता। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा हिसाब किताब खत्म हो चुका है, तुम वो इकलौती चीज हो जो मुझे कंट्रोल में रखती है, उस दिन तुमने मुझे बचा लिया था। देखो मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी खुशियां बर्बाद कर दी, मैंने तुम्हें शांति के साथ नहीं रहने दिया और पिछले के कुछ हफ्तों
मैंने तुम्हारे सामने बहुत सारी चीजों से करवाया। मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं ये कहूँ कि मुझे मजा नहीं आया, लेकिन सच कहूँ जब तुमने मेरा चेहरा उस गामा बम के अंदर डाला था तब मुझे बहुत दर्द हुआ था। मैं तुम्हारा हिसाब किताब चुकाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें किसी से निपटना है। डॉक्टर डोम, उसने हम दोनों का इस्तेमाल किया। मैं नहीं जानता कि वो असल में क्या कर रहा है, लेकिन मैं काफी कुछ समझता हूँ। केवल हम ही डॉक्टर डोम को रोक सकते हैं। मैंने इस इलाज को बनाने में बहुत मेहनत की और ये एक ऐसी चीज है जिसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मैं इसे तुम्हारे ऊपर यूज नहीं करना चाहता, या फिर मैं करना चाहता था पता नहीं, लेकिन मैं अब नहीं करना चाहता। मुझे तुम्हारी जरूरत है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरी जरूरत है। शायद ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि उस धमाके ने हम दोनों को जोड़ दिया। शायद हम दोनों यही चाहते थे। मैं तुम्हारे साथ लड़कर थक चुका हूँ, मैं अपने साथ लड़कर थक चुका हूँ, क्यों ना हम किसी और के साथ लड़ें। तभी उस फैसिलिटी के अंदर एक जोर का धमाका होता है। मैड स्क्वाड की टीम वहाँ पे पहुँच चुकी है। अमांडा कहती है कि यहाँ की सारी चीजें अब मेरी प्रॉपर्टी है। वो बैनर को ढूंढना चाहती है, लेकिन तब हल्क उसके सामने आता है और कहता है यहाँ की किसी चीज को खराब मत करना। तुम नहीं जानती कि मैंने यहाँ की हर एक चीज को खरीद सकने के लिए कितनी मेहनत की है। अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरे दोस्त और मुझे कुछ स्मैशिंग करनी है।